ये बैग देख रहा मेरा, मैं भाई जिंदगी में कहीं नहीं गया सिवाय मुंबई के। ये जितनी चिटे लग रही है ना फ्लाइट की, ये सब मुंबई के इंडिगो वालों ने लगाई है। गोवा जा रहे हैं, इसके बाद बैग देंगे बैग। भाई मैं तो घर जा रहा हूँ वापस। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना बियर सस्ती होती है, पानी महंगा होता, तो मैंने कहा प्यास लग रही है पानी पीना, तो ठेके पे गाड़ी रुकवा दी। ड्राइवर साहब ने कह रहे बियर पियो ना। ब्रो व्हाट्सअप, ये क्या पकड़ा दिया मुझे, पकड़ने से अपना बड़ा चूक दिया है क्या। चलो भाई अंदर चले, कमरा देखें, पार्टी ने क्या तैयारी कर रखी है। कटिंग भी तो होनी है अभी, बेलेटेड हैप्पी बर्थडे वाली। आराम जादे तू करेगा, मेरे सिर पे हाथ रख के खा दे तूने। नहीं मेरा कसम, तू चल जा, कसम खा, पंद्रह छोड़। अरे भाई 15 लाख की भी बात नहीं, मैं तो भाई एक कैमरा उठा के मारूंगा, मुझे 15 आ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जाएगी जी, तुम्हारी तो गाड़ी नहीं आ पा रही स्कूटी। चलो भाई गोवा की गलियां, और स्कूटी पे बड़ा मजा आ रहा है भाई। और भाई ये जो जगह है भाई बागा बीच के पास है, बहुत मजेदार है। और तो भाइयों वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइस आज हम हैं त्यागी जी के साथ, देसी गौरू गाड़ी देख रहे हो, और पीछे लगेज देख रहे हो, गाड़ी से जा रहे हैं हम कश्मीर। तो बाकी का भी लोग कश्मीर पहुंच के बनाएंगे भाई। तो भाई ऐसा है, त्यागी जी को आदत है ओवर लगेज टांगने की, कि जितने भी लोग साथ में हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, ड्रायर स्विच स्पीकर अटरम झटरम सब कुछ लेके रखने की। तो भाई एक बैग तो त्यागी जी का गाड़ी में छुड़वाया, उसके बाद भी 2 बैग एक्स्ट्रा, 3 किलो मेरा बैग ओवरलोड कर दिया, और 2 बैग ओवरलोड छोड़ के आए हैं भाई। सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस लिए है भाई, 15,000 मिलने वाले हैं, 15,000 मिलने वाले भाई। 2 दिन के लिए जा रहे हैं हम, कहाँ वो अभी देख लेना, पता लग जाए। कश्मीर जा रहे हैं, गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी छोड़ दी, हमने सोचा गाड़ी की तो लाश बन जाएगी 37 का। तो भाई 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन में त्यागी जी के बड़े बड़े 3 बैग आए हैं, पता ना। पहाड़ी कह रहा भाई मैंने 1 जोड़ी कपड़े पहने हुए, 1 जोड़ी बैग में डाल लिए, तुम तो चूतिया हो इतना बैग लेके आ रहे हो। कायदे में तो बात उसकी सही है। तो फिर हम हो गए लेट, पहाड़ी ने लगाई शर्त, पहाड़ी पहुंच गया डेस्टिनेशन पे, हमें लेने आएगा। तो पहाड़ी ने कहा अगर तुमने ये फ्लाइट पकड़ ली ना 15,000 रुपए तुम्हें दूंगा, किसी शर्त पे नहीं पकड़ सकते। लेकिन फाइनली संभाव हमने मैनेज कर ली, इतनी भागा भागी में तुम, हमारी चढ़ती हुई सांस तुम्हें बता रही होगी कितनी हमने दौड़ मारी है ये फ्लाइट पकड़ने को, 1.5 घंटे की। तो भाई कवर करा 50 मिनट में गाड़ी, 50 मिनट में। तो जल्दी से भाई फ्लाइट में बैठे, और पानी पानी नसीब नहीं हो रहा भाई, प्यास लग रही थी। आओ पहले पानी पिलवाते हैं, पहले पानी पीऊंगा फिर कुछ करूंगा। चलो मिलके पहाड़ी से मिलके फिर आपको मिलवाते हैं भाई। फिर तीनों भाई कहाँ जा रहे हैं, 37B वो पहुँच गए, 37B हमारा गेट है ये रहा। तो भाई पानी तो है भाई, पानी पीने से ज्यादा, पानी पीने से ज्यादा इस दुनिया में कोई खुशी नहीं हो सकती। पानी की बोतल दे दो एक। क्या की जी मीठा पानी पियोगे, कौन सा पियोगे? सबसे पहले ढक्कन खोलना, 70 रुपए का। हाँ कोई बात ना, 170 का भी हो यार, कैसी बात कर रहे हो, खोलो जल्दी, कोई सांस बच रही है बस। अब पैसे ना दूं तो भैया मेरी प्यास तुम्हें अंदाजा हो गया होगा किस लेवल की प्यास लग रही थी। क्या की जी कुछ लोग कहाँ चले गए, वो मेरे भाई ब्लॉगर और ले लीजिए सर, ये हमारे भाई विराट कोहली 100 का तो हो जाएगा, विराट कोहली 130 का, ये आपका। तुम रेट बता के ना, मेरी शकल पे जा रहे हो, मेरी जेब पे नहीं जा रहे बिल्कुल भी। नहीं सर ऐसा कुछ है, रेट क्यों बता रहे हो मुझे तुम इनके बार बार हैं, क्योंकि देने मुझे जब भी नहीं है, पी के भागूंगा मैं दौड़ मारूंगा। रेट उन्हें बताओ जो देने वाला बंदा हो, मुझे रेट बता रहे हो, टाइम वेस्ट करो काम काम। भाई फ्लाइट में एक नींद ले चुके हैं दोनों भाई, बहुत प्यारी नींद आई, लेकिन ये पीछे बच्चे हैं ना प्यारे हैं भाई, उन्होंने सुन ना दिया बिल्कुल, रोला काट रखा क्या पेरा माई गई, मैं देख रहा था लोग क्या बोलेंगे, बम्बई के आ रहे हो, अरे भैया बम्बई जा रहे हो, दोस्त को सलाम करो हवा में भाई। अभी अभी देखो ये तो पायलट पे कहाँ उतार रहे हमें, हम तो कहाँ जाना चाह रहे, पायलट कहाँ उतार दो, नीचे वाले के हाथ में कुछ नहीं होता जब ऊपर वाले के हाथ में होता है, ठीक है। भाई नींद ले ली, और पहाड़ी ने धोखा दे दिया, पहाड़ी ने हमें फोन पे बोला अगर तुमने 3 बजे की फ्लाइट पकड़ ली मैं तुम्हें 15,000 रुपये भेज रहा हूँ अभी के अभी। और जब हमने पकड़ ली तो कह रहा मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था तो अगली जो लोग है उसके लिए 15,000 रुपये भेज रहा हूँ, मेरी बहन तो भिखारी मान रहा हमें, अगर फ्लाइट मिस हो जाती तो हम अगली करवा ही लेते। कह रहा नहीं भाई तुमको जरूरत है मांग लो ना, छाने क्यों बन रहे हो, इसके भी ले लो आगे की भी ले लो, इसके भी ले लो आगे, साल में जितने टिकट करोगे जो TTDC की बस चलती है। जाइए खाने को है कुछ, टैंक की रोटी बोली ना वो
भूख लग रही है बहुत तेज। तो भाई अब थोड़ी सी कॉफी ली है, कॉफी का लुफ्त उठाएंगे और ये नजारे, नजारों का मजा और साथ में कॉफी। तो भाई हम पहुंच गए गोवा एयरपोर्ट। गोया जीने लाए भाई फटी। कुकरे में देखा होगा तुमने, चूचा कहता गोया। तो भाई देखो ये मारा मारी है लगेज के ऊपर, पता नहीं लोगों को इतनी जल्दी क्यों होती है भाई, जब इतना ट्रैवल करके आए उतरने की, फ्लाइट से उतरने की और सामान उठाने, जब आप इतना ट्रैवल करके आए तो दो चार मिनट और थोड़ा पेशेंस के साथ दे दोगे तो क्या हो जाएगा। हम यहाँ खड़े आराम से, वहाँ देखो ये त्यागी जी के बैग है सारे, इनमें मेरा कुछ भी ना, दो और आ रहे बड़े बड़े, मेरा एक बैग है छोटा सा बस, ये एस्थेटिक इंडियन वाला भाई अभी बताऊंगा, और इसमें मेरा कुछ मेरा वहाँ पे काम का मोड़ा खोल के। आज तक कोई ऐसा फिर कहते हो त्यागी तुम सारी व्यवस्था रखते हो, वो ग्रुप में वो तो दिखा दो कोठी नहीं दिखा नहीं क्या जो नहीं। कोठी उसने बुक कर रखी आज उसने अपने बहुत से, नहीं वो ये कह रहा है भाई देखो मैं बम्बई से गोवा आ रहा था बस में, लेकिन मैंने फ्लाइट करा ली, मेरा हो गया बजट खत्म। तो बहन जो मैं तो यहाँ घेर ले रहा हूँ, कोई घेर लिया उसने हमसे, कह दी कोठी, देखने में लग रहा कोठा पता ना कहाँ, अब जाके देखेंगे पता लगेगा बाहर पर। एक काम अच्छा कर दिया ड्राइवर को भेजा हुआ है बाहर, पहले कह रहे भाई तुम्हारा भाई तुम्हें थार से लेने आएगा, अब ग्रुप में मैसेज आया आई एम गोइंग टू स्लीप, मैसेज भी ग्रुप में कर रहे हैं भाई साहब, ऐसे नहीं अभी दिखाता हूँ ट्रिप गोवा गोइंग टू स्लीप। ये देख रहे हो टैक्सी वाले का भी नंबर आया हुआ, टैक्सी वाला भेजा हुआ है, उसने कहा भैया हमें फोन कर देना, तो चलो फटाफट से चले और फिर पार्टी से मिले और गोवा में जो भी धूम धड़ाका करेंगे भाई सारा तुम्हें दिखाते रहेंगे। मैं पहली बार गोवा आया हूँ जवानी में, मतलब एक बार बचपन में आया था कभी उमेश भैया के साथ, जो संजय भैया हमारे उनके बड़े भाई के साथ, तो उस टाइम 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, फ्लाइट की टिकट भी उन्होंने कराई, खाना पीना सब उन्होंने कराया, तो इतनी ज़्यादा हम इच्छा जाहिर कर नहीं पाएगा, होता ना कोई बड़ा भाई करा रहा है तो हम अपने मन का जो भी चाहिए बोल नहीं पाते कि भाई ये चाहिए या वो चाहिए, तो आज आप अपने मन से करेंगे जो भी वाटर स्पोर्ट करने हैं या जो भी हमें मौज मस्ती करनी है, ठीक है तो चलो फटाफट से लगेज ले ले। तो भाई फाइनली देखो अब मैं तुम्हें दिखा दूँ, हम दो दिन के लिए आए हैं, दो दिन के लिए बैग देखो, एक दो तीन, दो तीन चार, चार बैग देख रहा मेरा, मैं भाई जिंदगी में कहीं नहीं गया सिवाय मुंबई के, ये जितनी चिटें लग रही है ना फ्लाइट की, ये देखो यहाँ ये सब मुंबई के इंडिगो वालों ने लगाई है, ठीक है तो अब गोवा जा रहे हैं इसके बाद फेंक देंगे, गोवा जा रहे हैं इसके बाद फेंक देंगे, चलो ठीक है। तो हमारे ड्राइवर भैया आ चुके हैं, ड्राइवर भैया से मिले फटाफट और चले पहाड़ी के पास, फिर देखें क्या सुविधा दुविधा, सुविधा है या दुविधा है, लेट्स गो। तो भाई ऐसा है फ्लाइट से उतरते ही सबसे पहले ठंडी ठंडी आइस टी, भैया पेटीएम कर दिया, तीन आइस टी लिए हमने भाई, उससे पियेंगे लस्सी और करेंगे अस्सी तुस्सी लस्सी पिस्सी, ये तो मुरीद का डायलॉग मार दिया। वो क्या कह रहा था मैं बुलवा दिया भाई, हमने लिए हैं दो लोग हैं तीन आइस टी, अब तीसरा कौन है, ऐसा भी हो सकता है तीसरा कोई आसपास ही हो, दिखना रहा हो तुम्हें अभी दिखाता हूँ, ठंडी लस्सी मतलब यही तो कह रहा हूँ, तुम इसकी बात कर रहे हो, इसके लिए आई एम ऑलवेज ऑन बट नो नॉन वेज नो स्टीरोइड, मैं स्टीरोइड के खिलाफ हो चुका हूँ, नॉन वेज के खिलाफ हो चुका हूँ, वेज खाना खाओ, मेहनत करो बॉडी में भाई, एक आश्रम खोल बोलूँगा सीधा पहाड़ी के पास, यस यस चलो। तो भाई तीन आइस टी हैं, एक हमारी, एक त्यागी जी की और एक मेरी डार्लिंग की, डार्लिंग इतनी सेक्सी है तुम देखोगे तो कहोगे यहाँ जो क्या बात, हटो बचो डार्लिंग मेरी, दिखाऊं डार्लिंग येरी मेरी डार्लिंग, बाबा पी के तो बताओ कैसा लगा, टेल मी अच्छा है, पी भी लिया बिना, चीयर्स करे, चीयर्स करते हैं, चीयर्स चीयर्स चीयर्स, ओके बाबा याद करोगे यूपी से कोई शेर आया था, दो शेर आए थे यूपी के, मैंने कहा शेर, मैंने कहा बाबा आप दो मिनट वेट कर लो हम चाय पी के आ रहे, तो मैंने कहा आप भी चाय पियो, कह रहे नहीं, तो मैंने कहा ठंडा, कह रहे नहीं, मैंने कहा कुछ तो पियो, कह रहे नहीं, मैं क्यों, कह रहे महंगा होगा ना, मैंने कहा दोनों चीजों में से एक जवाब दो, ठंडा या गर्म, बोले ठंडा चलेगा, ठंडा चलेगा ठंडा लो भाई, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जागे जी
इनसे ही तो हमें भाई ये गाड़ी चलाने तभी तो हम पहुंच पा रहे हैं। और क्या, चाहे जोमेटो वाले डिलीवरी वाले हो भाई, हाँ है ना, सबका ध्यान रखना ना, कैब ड्राइवर्स मतलब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको इनका रिगार्ड बहुत करना चाहिए और आपने आपको ग्रेटफुल समझना चाहिए। नहीं तो इतना चाहिए कि जितना भाई क्या नाम है कि अगर हमें छोड़ रहे हैं तो हमसे पैसा भी तो ले रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आप थोड़ा प्यार दिखा दो, रिस्पेक्ट दिखा दो तो कुछ नहीं जाता। ठीक है, आप चले पहाड़ी के कोठे पे, पहाड़ी का कोठा देखे चल गए, जाते ही ना पहले रूम की वीडियो बनाऊंगा, एक्सपोज पहाड़ी रूम टूर बहन चो, उसने फोटो भेजी भाई क्या बताऊं तुम्हें, उसमें कुर्सी सी पड़ी है, उस पर गद्दा भी ना है, लकड़ी की कुर्सी है, चूतड़ दू जाएगा उस पर बैठे बैठे, ये क्या बसड़ है। गोवा, वेलकम टू गोवा, राजवीर सिसोदिया उर्फ राजीव कुमार उर्फ गोलू उर्फ देसी गबरू उर्फ उर्फ कह रहा हूँ हिमांशु त्यागी उर्फ हनी, तुम्हारा नाम हनी है ना, हनी हनी हनी, कैसा नाम है हनी, हमारा देखो गोलू, तुम्हारा नाम ही कुछ इंग्लिश सा ना हो गया, ढूंढा हेड़ा में कहाँ से आ गए इंग्लिश लोग हनी हनी हनी, चलो चल के डायरेक्ट पार्टी से मिलेंगे, बाय बाय, चीयर्स भाई। मैं तो घर जा रहा हूँ वापस, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना बियर सस्ती होती है, पानी महंगा होता, तो मैंने कहा प्यास लग रही है पानी पीना, तो ठेके पे गाड़ी रुकवा दी, ड्राइवर साहब ने कह रहे बियर पियो ना, पानी का ही को पीना है, मैं ना भाई मुझे तो पानी पीना, तो भाई यहाँ से ले रहे हैं काजू बादाम, क्या जी क्या काजू बादाम की दुकान इधर है, हाँ ये ले लो, ये जिंजर ले भाई, जरूरी थोड़ी है, दारू की दुकान पे तुम दारू ही, दारू के वहाँ पे भाई मूंगफली है, काजू है, चखना है, और क्या, और क्या लिमका है, ले लो लिमका ले लो फटाफट, ले लो भाई खाने के साथ मुझे सोडा भी चाहिए, सोडा ले लो, सोडा नहीं क्या कहते हैं उसे, अरे सोडा निकल रहा मेरे मुंह से, क्या कहते हैं उसे बताना भूल गया मैं। तो भाई ऐसा है, फटाफट से थोड़ा खाना पीना लेके अब हम जा रहे हैं पहाड़ी के पास, क्योंकि हमें पता रात को ना हमारा डिनर नसीब होगा उसके साथ, क्या कही थी मैंने, KFC है सामने, फटाफट से दबा दे भाई, मैं तो वेज हो गया हूँ ना, KFC कुछ ऐसा देखो जहाँ दाल चावल मिल जाए, रोटी दाल मिल जाए वो मैं खाऊंगा, KFC नहीं खाऊंगा। ठीक है तो भाई हम चल के फटाफट मिलते हैं, बाय। जलाने के लिए लाइटर है ब्रो, व्हाट्स अप, ये क्या पकड़ा दिया मुझे, पकड़ना है अपना, बड़ा चूत दिया है क्या, एहन चो कहां से उठाए घुमरा इधर, ये क्या, ये तो माल्या बियर दे, माल्या पूनम पांडे जिंदा, पहाड़ी पहाड़ी कोठा जिंदा है, हां सर मर गई तो, सर तो करे मर गई, वो कैंसर अवेयरनेस, ये क्या पी रहा, फेंकना इधर साले पागल, कैंसर अवेयरनेस चल रहा है ना, गंदी चीज नहीं पीते, फेसबुक पे, अच्छा लवली, त्यागी जी कमरा दूसरा बुक करो, ये क्या है, और गेस्ट हाउस के बाहर ही कपड़ों की दुकान, कपड़े नहीं लाया मैं, ये एक सब ले लेंगे, पांच बैग इसके, ये खड़ा ना भाड़ू, चलो भाई अंदर चले कमरा देखें, पहाड़ी ने क्या तैयारी कर रखी है, अभी क्या है केक कटिंग, हैप्पी बर्थडे वाली, आराम जाते। तो भाई ऐसा पहाड़ी के पास आ गए, क्या क्या पंखा बंद करो, पंखा बंद करो भाई, अबे यहाँ तो गर्मी है भाई, पंखा तो रखना पड़ेगा, ब्लॉगर ही ब्लॉगर इन द हाउस ब्रो, ये देखो एक बैग दो बैग तीन बैग चार बैग पांच बैग, व्हाट इज दिस, पंखा बंद कहाँ से होएगा, ओ हम सॉरी ब्रो, पहाड़ी है सोएंगे कैसे हम तीनों, एक बेड है एक और है ना नीचे, अच्छा ये पूरा अपना है, अगर ऊपर वाला भी लेना हो तो वहाँ भी अपना है, पूरा पूरी बिल्डिंग अपनी है, पूरी अपनी कहीं भी सोए कहीं भी खाए कहीं भी ना है, ओ वाह लवली, हल्की बात थोड़ी है, चार रूम अपने हैं, चार रूम अपने भाई, तो भाई ठीक है फटाफट नहा धोके तैयार होके मिलते हैं, बाय, पहाड़ी लवली हुक्का शुक्का, एक कटिंग का एक अलग रूम है स्पेशल, चल भो क्या हो रहा है सब, मुझे क्यों छेड़ रहे त्यागी जी, क्या प्रॉब्लम, क्या क्यों चढ़ रहे हो तुम, मुझे किसका बर्थडे, भाई तुमने रील बनाते हो आ रहे हो वहां से, हां बना दी, उसके चक्कर में लेट हुए हम, फ्लाइट छूट जाती तेरी रील के चक्कर में, भाई तूने कहा था कि अगर तुमने 3 बजे की फ्लाइट पकड़ ली तो मैं तुम्हें 15,000 रुपया अभी चाहे तो अभी ले लो, तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है अगर गलती हो गई सुनने में, सुनने में तो जानो जो ऑलरेडी 3 बजे की फ्लाइट डिले हो चुकी है उसमें मैं क्या बोलू, क्या डिले हो चुकी है, अगली फ्लाइट बुक कर लो, UPI मैं कर रहा हूँ, तू क्यों करेगा, तू चल सा कसम,
नहीं खाता फिर भी खा भाई। बात ये हुई थी कि अगर तुमने आज फ्लाइट पकड़ ली, अगर तुमने आज फ्लाइट पकड़ ली, जरूरत है भाई, चलो हम जूते दिलाएंगे, जरूरत है शॉपिंग तू कराएगा, शॉपिंग वॉपिंग दिलाऊंगा वुडलैंड की दिलवाएगा जो हम जो हम पहने तो गोवा से शॉपिंग करेंगे हम कह देंगे भाई पार्टी नहीं पार्टी दिलवाए तू यहाँ से जाए बंदा जा रही दोनों को दिलवा दियो यहाँ के कपड़े अच्छे दिलवा दे ना हमने लेके आए हम तो जाड़ो के यहाँ तो गंदे गंदे मिलते हैं कोई बात नहीं भाई इतना हरामी है कह रहा अगर तुमने आज 3 बजे की फ्लाइट पकड़ ली 15,000 मेरे से अभी यूपीआई ले लो तुम नहीं पकड़ पाओगे अब पहले जब पकड़ ली हाँ क्या हम तो पार्टी का सोच के आए थे भोसड़ी का हमें मिलेगी बर्थडे पार्टी समझ रहे हो भोसड़ी का सपना पूरा हुआ मैंने तो बजट भी ना बना के बजट पूरा हो गया और भोसड़ी का अगर बोलते पार्टी नहीं थी तो मैं भोसड़ी का फ्लाइट पूरा करके ट्रेन से आता तू गाली क्यों दे रहा है इतनी क्या हो गया तुझे तो जस्ट अ स्लैंग A few moments later. तो भाई थोड़ा सा रेस्ट करके हो गए रेडी अब जा रहे हैं हम पता नहीं कहाँ आज का दिन हम मैंने और त्यागी ने पहाड़ी को दे रखा है आज के दिन का गाइड पहाड़ी है कल से होल्ड हमारे हाथ में एक स्कूटी हमारे पास ये है कल हम लेंगे थार ये इसकी आराम है कह रहा लाल मेरी है भाई लाल और भाई हमारी ब्लू है तुम्हारा भाई चलाएगा ब्लू स्कूटी अबे कौन सी ब्लू हल्की ब्लू डार्क ब्लू दो है यहाँ ये वाली ये ब्लू थोड़ी है तो लड़के वाला ब्लू है साले तो भाई आज बहुत दिनों के बाद मैं चलाऊंगा हेलमेट भी चाहिए अब पहनना तो पड़ेगा यार पकड़ लिया तो भाई तू लगा ले हेलमेट मैं तो नहीं लगा पाऊंगा आधे पौने घंटे में तो बाल सेट करें अब हेलमेट लगा खराब कर दूंगा चल तो भाई लेट्स सी कहां लेके जा रहा पहाड़ी बॉय और भाई बड़ा मजा आ रहा है भाई भी कुछ अलग है चलो लेट्स गो दिखाएं तुम्हें मयंक को हम मिस कर रहे हैं क्योंकि मयंक के पापा की तबीयत खराब है उनका ध्यान रखने के लिए एक आदमी चाहिए तो इस चक्कर में भाई हमारा मयंक आ नहीं पाया तो बाकी लेट्स गो जाएंगे जी हेलमेट नहीं लगाओगे जरूरी है भाई गोवा पुलिस बाल खराब हो जाएंगे चलो चलो हाँ जी राजवीर सिसोदिया जाएंगे जी तुम्हारी तो गाड़ी नहीं आ पा रही छुट्टी ये भाई आ रहे पीछे ये पहचान नहीं पा रहे अरे ये आ जाओ आगे आ जाओ क्या हाल है मेरे भाई बढ़िया बढ़िया क्या लगा नहीं था गोवा में देखेंगे भाई कह रहे लग तो राजवीर रहा है राजवीर ही है हाँ भाई चलो भाई गोवा की गलियां और स्कूटी पे बड़ा मजा आ रहा है भाई अब मैं थोड़ा चुतियापा कर जाऊँ तो माफ कर देना क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ बहुत ज्यादा यही नहीं तुम्हारा सिस्टम गोवा तक चल रहा है हमें ना पता थी तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार आया हूँ अपने गाजियाबाद के बाहर जब भी मैं गोवा आता हूँ ना मतलब 10 साल कौन से वाले पैर ये वाले क्या करा है मतलब 10 साल में जब भी मुंबई आता हूँ तो हर बार गोवा आया हूँ जब भी मैं गोवा 4 दिन बाद छोड़ के जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भोसड़ी का क्या है गाँव है वह जो घूमते निकल जाते हैं कुछ खास तो होता नहीं है लेकिन जब घर पहुँच जाता हूँ ना तो भोसड़ी का मन करता है दोबारा से 2 दिन के लिए फिर से आऊँ फिर गोवा की ऐसी आते हैं भाई इसकी ये रोड जो है ना क्या रोड है भाई मजा आ रहा है स्कूटी की राइड में तुम्हारे चूतड़ नहीं टिक पा रहे ठीक से बड़े परेशान लग रहे मैं चलाऊं भाई एक्चुअली नहीं ना मैं त्यागी से पूछ रहा था नहीं चला पा रहे तो मैं चला 10 साल से भी ज्यादा किसे मुझे हाँ पैसा है बहुत टाइम हो गया ना पैसा आके कहा स्कूटी चलती है बाइक चल जाती है फिर भी कभी कभी स्कूटी नहीं चलती इसलिए भाई तो जमीन तो भाई पहाड़ी कहाँ लेके जा रहा हमें बागा बीच तो भाई यहाँ है पार्किंग और हमें पहाड़ी लेके आ गया बागा बीच और हमें याद नहीं रहा चप्पल पहनना हम जूते पहन के आ गए मेरे और त्यागी जी के जूतों में गोडे गोडे रेत भरेगी अब इधर से कहाँ ले जा रहे उधर से ले चलना अरे कहीं से भी चल लो जाना अंधेरे में ये रेत ऐसी है बहुत हैवी रेत है अच्छा तो चलो तो कोई नहीं देखेंगे इसे भी तो भाई चल के मिलते हैं कहाँ ले जा रहा पता नहीं भाई बहुत रेत है रेत ही रेत है पैर धस रहे जल्दी कर त्यागी जी को कंटेंट समझ ना रहा इसकी आईफोन की क्लैरिटी को रात में क्या हो जाता तो भाई उधर बीच इधर नीच और इधर बहुत सारे रेस्ट्रो ओ भाई बचपन में आया था भाई मुझे पता ही नहीं था ऐसी कोई जगह है और देख वहाँ तक है पूरा देख कहाँ तक है देखो भाई
जो मेरे जैसे हो बेचारे सीधे साधे बच्चे, मस्ट विजिट एक बार आना। और बढ़िया बढ़िया चीज दिलवाएंगे। कौन सा पीछे पहाड़ी? यहाँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज दिलवाएंगे। क्या यहाँ ऐसे चश्मे और कलरफुल चश्मे जिसमें लिखा रहता है? अरे यहाँ दिलवाना है। बूगी बॉयज वो अपने आप आ जाएगी सीट पर। दिलवाए तो भाई कुछ खाना वाना खा लेंगे। जागी जी, लेजर लाइट नहीं चली थी वो। जागी जी क्या हो गया, कहाँ रह गए थे तुम? नहीं भाई, मैं जूतों में रेत भर गया था। अच्छा, ओ बड़ा मिस्टेक हो गया था। ले लो ले लो चश्मा, तो लो ये वाला। जागी जी ये चश्मा। अरे आ जाएंगे। अबे ये चश्मा नहीं लगाओगे? अरे आ जाए, वो आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? अरे अपने आप अंदर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ले लो। तो भाई समुद्र के किनारे आ गए और भाई हुक्के पे बहस चल रही है पहाड़ी की एज ऑलवेज। और सुनो, चिल्ड लाना, चिल्ड पानी। और भाई ये जो जगह है भाई बागा बीच के पास है, बहुत मजेदार है। और त्यागी जी अपनी बियर्ड सेट करते हुए, आई लाइक इट। ओ ये त्यागी जी स्टोरी बनाते हुए, देसी गबरू का प्रमोशन करते हुए, और ये पहाड़ी। तो भाई आगे का व्लॉग हम कल बनाएंगे। अब हम खाना वाना खा ले जाके सोएंगे, फिर उसके बाद कल जो भी करेंगे पूरे दिन में हमारे स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटी करवाने वाला पहाड़ी, वो आपको दिखाएंगे। होटल चेंज करेंगे, पहाड़ी का कोठा चेंज करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। बाय।